हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है रिएक्ट जेएस का पार्ट नंबर 10 गाइस। इसके अंदर हम देखेंगे आपका स्टेट के बारे में और स्टेट को यूज करेंगे हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस, कि स्टेट होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं हम रिएक्ट में। ये सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई, रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। एंड आपको मेरे किसी वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ भी सकते हैं। और सारे के सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, जाएं एंड फॉलो कर लें। अगर आपको फ्री में सोर्स कोड चाहिए तो उसके भी लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट्स के एंड गिटहब के, उसे भी फॉलो कर सकते हैं आप। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले स्टेट के बारे में, स्टेट इन रिएक्ट, कि इसको क्यों हम यूज करते हैं रिएक्ट के अंदर। सबसे पहले इसकी मीनिंग को जान लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने इसका इंट्रोडक्शन रखा है, इसको रीड कर लेते हैं पहले। द स्टेट इज एन अपडेटेबल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू कंटेन डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोनेंट। द स्टेट इन अ कंपोनेंट कैन चेंज ओवर टाइम। द चेंज इन स्टेट ओवर टाइम कैन हैपन एज अ रिस्पॉन्स टू यूजर एक्शन और सिस्टम इवेंट। अ कंपोनेंट विद द स्टेट इज नोन एज अ स्टेटफुल कंपोनेंट्स। इट इज the heart of the React component which determines the behavior of the component and how it will render. They are also responsible for making a component dynamically and interactivity. Okay. तो इसकी मीनिंग के अंदर मैंने यहाँ पे ये रखा है कि सबसे पहले जो आपका स्टेट होता है, जो मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको वेरिएबल के साथ में चीजें प्रिंट करके दिखाई थी, प्रिंट तो हो रही थी बट जब हम किसी फंक्शन के साथ में उसे अपडेट करना चाह रहे थे तो वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो यहां पे हम उसे स्टेट के साथ में करते हैं। तो स्टेट जब हम डिफाइन करते हैं तो वो हमारा एज अ वेरिएबल ही होता है। इनिशियल वैल्यू भी दे सकते हैं या आप एम्प्टी भी रख सकते हैं उसे, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हुए आए हैं। बस उसी को हमें क्या करना पड़ता है, अपने फंक्शन के साथ में अपडेट करवाना पड़ता है और फिर वो अपना क्या करता है, एक नई वैल्यू जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो वो रीरेंडर करता है अगेन। यही चीज मैंने यहां पर रखी है, इसीलिए इसमें क्या होता है, हम डायनेमिक चीजें भी यहां पे पुट ऑन कर सकते हैं यूजर से लेने के बाद में। ओके, नेक्स्ट है यहां पे आपका, आई स्टेट मस्ट बी कैप्ट एज अ सिंपल एज पॉसिबल। इट कैन बी सेट बाय यूजिंग द सेट स्टेट मेथड एंड कॉलिंग सेट स्टेट मेथड ट्रिगर्स यूआई अपडेट्स। अ स्टेट रिप्रेजेंट्स द कंपोनेंट्स लोकल स्टेट और इंफॉर्मेशन। इट कैन ओनली बी accessed or modified in insert the component or by the component directly. To set a initial state before any interaction occurs, we need to use the get initial state method. ये सारी चीजें मैंने जब आपको थ्योरी बताई थी तो उसके टाइम पे मैंने पढ़ाया था, जब मैं रिएक्ट की ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहा था तब। अब आपको और बेहतर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहां पे हमें चीजें मिलती हैं। पहली, जो भी हमारा एक वेरिएबल होता था, हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते थे, कॉन्स्ट, लेट, वेर, व्हाटएवर, राइट। बट यहां पे बस एक चीज चेंज हो जाएगी कि आपका वेरिएबल का नाम जो भी आप रख रहे हैं वो, उसके साथ में आपको सेट करके अपने वेरिएबल का नाम भी देना पड़ेगा। और जो हमारा यूज स्टेट जो हुक है, जो मैंने आपको फंक्शन एंड कंपोनेंट्स के डिफरेंस बताए थे कि क्लास कंपोनेंट्स का आपका लाइफ साइकिल मेथड क्या चलता है, फंक्शन का क्या चलता है, तो आपका फंक्शन के अंदर जो हुक्स होते हैं उसमें से पहला हुक हम यहीं पे यूज करेंगे जिसका नाम है आपका यूज स्टेट। ओके, जो कि स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए होता है लोकली कंपोनेंट के लिए। तो वो कैसे होता है, तो यहां चलते हैं सबसे पहले अपने एडिटर पे और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं गाइस। सो एडिटर पे आने के बाद सबसे पहले हमारे यहाँ पे फाइल बनी हुई है गाइस, app.js, और इसको मैंने रन कर रखा है। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या कर रखा है, एक div लिया है, एक h1 लिया है, एक बटन रखा है, इस पे बटन का नाम रखा है हमने अपडेट वैल्यू। और इसका आउटपुट अगर मैं ब्राउजर पे आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से है। अभी यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, बटन का नाम आपको विजिबल हो रहा होगा और कंसोल यहाँ पे हमने ओपन कर रखा है। क्यों कर रखा है वो तो भी देखेंगे आगे चल के। तो यहां चलते हैं सबसे पहले, और यहां पे अगर जो मैंने प्रीवियसली मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसी के बेस पे मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज मानिए मैं इसे एग्जांपल 1 कर लेता हूं। ओके, और मैं यहां पे लिखता हूं आपका लेट डेटा, और डेटा में मैंने आपको प्रीवियस वाले में कोड फॉर एजुकेशन प्रिंट करवा के दिखाया था। ओके, ये हो गया हमारा क्या डेटा। अगर मानिए मेरे को डेटा ही प्रिंट करवाना है डायरेक्ट, तो मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डेटा रख लूंगा सिंपल। ओके, ये देखिए करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद यहां चलेंगे तो यहां पे आने के बाद आप देखेंगे कोड फॉर एजुकेशन आपको विजिबल हो भी रहा है, जो कि हम करते हुए आए हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ऐसे होता है कि वेरिएबल से हम डेटा प्रिंट करवा सकते हैं और वहां पे अपडेट भी करवा सकते हैं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास में। बट यहां पे स्टेट मिलता है हमें। अब इस स्टेट को कैसे यूज करते हैं, उससे पहले अगर मैं प्रीवियस वाला जो फंक्शन आपको थोड़ा सा रिपीट करके बताऊं जिससे आपको याद आ जाए, तो सपोज मैंने यहां पे एक कॉन्स्ट लिया,
ओके और मैं यहां पे कर देता हूं आपका अपडेट डेटा करके एक एरो फंक्शन बना लेते हैं ये देखिए ओके। और मैं क्या करता हूं यहां पे अलर्ट करवाता हूं आपका डेटा को। अभी मैंने ये करवा लिया, अब मेरा ये जो बटन है इस बटन पे इसे कॉल भी करवाना होगा। तो मैंने ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पिछले वाली क्लास में बताई थी। अब यहां पे मैं ऑन क्लिक लिखूंगा, सी कैपिटल होगा क्योंकि कैमल कैस की वजह से ओके। यहां पे मैंने इसे क्लिक लिख लिया। अब इसके बाद में यहां पे आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जस्ट अपने फंक्शन का नाम दे देंगे आप अपडेट, ये देखें अपडेट डेटा करूंगा मैं सेव। एंड सेव करने के बाद चलेंगे यहां ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद आप देखेंगे अलर्ट आपका बाय डिफॉल्ट नहीं चल रहा ऑनलोड पे ओके। आप यहां पे करेंगे क्लिक, जैसे आप करेंगे क्लिक तो क्लिक करने के बाद में आपको यहां पे अलर्ट आते हुए दिख भी रहा है आपके बॉक्स और उसकी वैल्यू भी दिख रही है कोड फॉर एजुकेशन। आप चाहते हैं इसी को चेंज करना, तो जब आप चाहेंगे इसको चेंज करना तो हम जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, सिंपल हम वेरिएबल का नाम लेते हैं, आते हैं फिर हम इसके अंदर इसको चेंज कर देते हैं ये देखिए कुछ इस तरीके से। अगर मैं करूं यहां पे सेव, एंड सेव करने के बाद वापस चलूं मैं यहां पे अपने ब्राउजर पे एंड करूं यहां पे क्लिक अगेन, एंड क्लिक करने के बाद देखें तो यहां पे भास्कर गुप्ता आपको यहां पे दिख रहा होगा कि वैल्यू यहां पे अपडेट हो गई, बट यहां पे आपकी यूआई पे जो कंपोनेंट का यूआई है उसमें यहां पे आपकी वैल्यू नहीं आई, जो कि पिछली वाली क्लास में भी नहीं आ रहा था। अब वो कैसे आएगा ओके, अब वो कैसे चलता है, उससे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहां पे एक कंसोल लगा देता हूं जिससे कि आपको ये री रेंडरिंग का जो मेथड है ना वो समझ में आ सके। तो मैं क्या करता हूं यहां पे रेंडर ले लेता हूं ये देखिए कुछ इस तरीके से, और मैं इसे करता हूं सेव। एंड सेव करने के बाद आपको मैं यहां पे दिखाऊं तो देखिए दो बार अभी ये यहां पे रेंडर हो रहा है सेव करने के बाद में ठीक है। अब जब हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे ना, जब इसको स्टेट के साथ हम करेंगे तो ये आपका अगेन रेंडर होना चाहिए। देखिए जैसे मैं इस पे अभी क्लिक कर रहा हूं फंक्शन पे तो यह अभी अपडेट नहीं हो रहा है ओके। अब ये अपडेट होगा कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहां चलेंगे अभी हम यहां पे। सबसे पहले अगर आपको अपडेट और स्टेट यूज करना है तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट, कॉमा लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, देन उसके बाद में यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ये हम यहां पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब स्टेट होता है तो वहां पे इनिशियल वैल्यू भी होती है जैसे थ्योरी में लिखा हुआ था, और इनिशियल वैल्यू के साथ में हमें सेट स्टेट मेथड यूज करना पड़ता है। कैसे, मैं क्या करता हूं इसको यहां से करता हूं कट ओके। यूज स्टेट आपको डिफाइन करना है पहले, और देखिए इनिशियल वैल्यू मैंने यहां पे डिफाइन कर दी, ये मेरी होगी यूज स्टेट की इनिशियल वैल्यू। अब आपको यहां पे करना क्या होगा, यहां पे मैं मानिए यहां पे मैं एक एरे ले लेता हूं, और यहां पे मैं डेटा जो हमारे वेरिएबल का नाम होने वाला है, बट इसको अपडेट भी तो करवाना है हमें, तो हम क्या करेंगे सेट डेटा ले लेंगे। देखिए आप यहां पे कुछ भी नाम रख सकते हैं, डेटा अपडेट जो भी, सेट को भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये जो सेट डेटा मैं कर रहा हूं कुछ इस तरीके से ही आपको जब आप कंपनी में काम करने जाएंगे ना या किसी रिएक्ट के एप्लीकेशन पे वर्क करेंगे तो यही नाम आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, दैट्स वाई मैं आपको इस नाम के साथ में फेमिलियर करवा रहा हूं ओके। अब इसके बाद में डेटा तो हमारा यहां पर आ गया, अब हमें ये अपडेट कैसे करवाना है, अपडेट सिंपल आपको करवाना होगा, मैं इसको क्या करता हूं कॉपी कर लेता हूं ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। अभी हम रिमूव करने के बाद में आपको यहां पे लिखना होगा सेट डेटा ठीक है, ये आपने कॉल करवाया और इसके अंदर जो वैल्यू आपको अपडेट करवानी है वो आपने यहां पे पेस्ट कर दी। हम मेरे को यहां पे क्या चाहिए, मेरे को यहां पे चाहिए मेरा नाम भास्कर गुप्ता, तो मैं यहां पे सेट करवा रहा हूं। ये सेट जैसे ही करवा के जाएगा आपका किस पे, यूज स्टेट पे, यूज स्टेट पे जाएगा तो न्यू वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी भास्कर गुप्ता, और इनिशियल वैल्यू आप देखेंगे कि आप हमने क्या मेंशन करी है यहां पे आपका कोड फॉर एजुकेशन ओके। और इसको प्रिंट कहां करवा रहे हैं हम, डेटा यहां पे। अब इसके बाद चलेंगे करेंगे सेव, एंड सेव करने के बाद चलेंगे ब्राउजर पे एक बार, तो देखिए एक बार मैं यहां से इसको क्लीन कर लेता हूं और रिफ्रेश करता हूं अगेन, तो देखिए दो बार अभी आपको रेंडर होते हुए दिख रहा है यहां पे एप डॉट जेएस के अंदर ओके। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, क्लिक करने के बाद कोड फॉर एजुकेशन, और देखिए उसके बाद दो बार और रेंडर हुआ क्यों, और यहां पर हमारा अपडेट भी हो गया हमारी वैल्यू। तो देखा क्यों वो रेंडर हुआ, क्योंकि वहां पे स्टेट चेंज हुई, जैसे ही आपके कंपोनेंट की स्टेट चेंज होगी वो अगेन री रेंडर होगा गाइस, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो यहां पे आप समझ रहे हैं कि अगर देखिए जैसे मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं तो देखिए वैल्यू अब क्या मिल रही है भास्कर गुप्ता, और दोबारा ये जा रहा है री रेंडरिंग करने के लिए, देखिए दो बार और रेंडर हुआ। तो आप समझ रहे हैं जैसे आपकी स्टेट में कुछ भी उसे फंक्शनैलिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिलता है वो दोबारा उसको री रेंडर करता है ठीक है। इनिशियल वैल्यू हमारी क्या थी, कोड फॉर एजुकेशन, हमने अपडेट करके क्या कर दिया उसे, भास्कर गुप्ता ठीक है, ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद में
इसी चीज को मानिए, इसको लॉजिकल कैसे बनाना है आपको, लॉजिकल में कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। यहां पे मैं फाइल बनाता हूं, यहां पे काउंटर डॉट जेएसएक्स कर लेते हैं, ये देखिए। ओके, ये मैं यहां पे एक फाइल बनाने वाला हूं। अब यहां पे अगर मानिए इंपोर्ट हम करते हैं रिएक्ट कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज स्टेट ले लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट, ये चीज होगी। फंक्शन कंपोनेंट है हमारा कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, इसे एक्सपोर्ट भी कराना होगा हमें, डिफॉल्ट काउंटर, ये देखिए इतनी चीज हो गई हमारी। अब इसके बाद में हमें चाहिए होगा यहां पे क्या, रिटर्न, क्योंकि रिटर्न के अंदर ही तो सारी चीजें आएंगी, तो मैं यहां पे ले लूंगा डिव, ठीक है, एक लूंगा मैं पी, और पी पे मैं अगर मैं यहां पे लिख दूं काउंट, और इस काउंट के बाद में यहीं पे हम क्या करेंगे, काउंट को प्रिंट करवाएंगे। मैं बेसिकली आपको काउंटर बना के दिखा रहा हूं यहां पे कि कैसे आप स्टेट के साथ में चीजें अपडेट करवा सकते हैं, बहुत सिंपल है। बस हमारा क्या है कि वहां वेरिएबल होता था जावास्क्रिप्ट में, और यहां पे हमारा क्या होता है कि वही वेरिएबल होता है, बस उस वेरिएबल के साथ में एक पैरामीटर और बढ़ गया यहाँ पे कि सेट भी करवाना होता है हमें, जो कि हमारा यूज स्टेट के साथ में चलता है, जो कि हुक है हमारा यहाँ पे यूज स्टेट। ओके, अब मैं यहाँ पे एक बटन ले रहा हूं, उस बटन पे क्या करूंगा मैं, इंक्रीमेंट करके बना लेते हैं। ओके, ये देखिए बटन हो गया हमारा, और मैं इस पर क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट ही लिख देता हूँ। तो ये तो हो गए हमारे क्या चीज, ये हमारा यहाँ पे काउंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये फंक्शन आ जाएगा। अब ये हमें चाहिए भी, तो देखिए मैं डायरेक्ट एक बार में ही आपको दिखाऊंगा ब्राउजर पे, पहले बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉन्स्ट लूंगा मैं, मानिए फिर सेम यहां पे मैं क्या करता हूं, काउंट ले लेता हूं, कॉमा लगाता हूं, ठीक है, सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट। अब यूज स्टेट मैंने लिया, अभी मैंने आपको वहां पे क्या करा, इनिशियल वैल्यू आपको स्ट्रिंग रख के दिखाई, अब मैं यहां पे नंबर रख के दिखाता हूं, जीरो, ये देखिए मैंने जीरो रख ले लिया यहां पे। अब हमारा ये सेट काउंट, अब इसका एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, इसको भी तो यूज करना है हमें। हम क्या करेंगे, यहां पे कॉन्स्ट लेंगे, जो इंक्रीमेंट अभी जो नीचे हमने फंक्शन डिफाइन कराना, मैं उसके लिए एक एरो फंक्शन ले रहा हूं, ये देखिए फंक्शन हुआ सेट काउंट। काउंट के बाद में यहां पे हमारा क्या करेंगे, हम अपग्रेड करना चाहते हैं, इट मींस कि इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे, प्लस वन कर देंगे, सिंपल, ये देखिए सिंपल सर। ओके, इसके बाद चलेंगे, अभी इसे करूंगा मैं सेव, एंड सेव करने के बाद में यहां पे हम क्या करेंगे, अभी ये देखिए मैं बी आर लगा देता हूं पहले, जिससे कि ब्रेक होके वो आपको विजिबल हो, और यहां पे करेंगे इस कंपोनेंट को इंपोर्ट। ओके, ये सारे एक्सटेंशन आपने डाल लिए होंगे, जो अगर सीरीज पूरी प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि मैं कैसे इंपोर्ट कर रहा हूं। यहां पे आपका काउंटर लिखा मैंने, और यहां पे देखिए आपका इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट करके ये काउंटर वाली फाइल से, ठीक है। इसको मैं करूंगा सेव, एंड सेव करने के बाद चलूंगा मैं अपने ब्राउजर पे, एंड ब्राउजर पे आने के बाद एक बार और रिफ्रेश कर दूं अगर, ये देखिए ठीक है। तो अभी आपको यहां फंक्शन दिख रहा होगा ये वाला, जिसमें कोड फॉर एजुकेशन इनिशियल वैल्यू है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां पे देखिए कोड फॉर एजुकेशन आ रहा है अलर्ट के अंदर, बट देखिए यहां पे वैल्यू चेंज हो गई अब, जो कि हमने सेट करवाई यहां पे, ठीक है, यूज स्टेट के मेथड से। अब वही चीज यहां पे भी काम होगा आपका, यहां काउंट आपको जीरो देख रहा है इनिशियल वैल्यू, जो कि इनिशियल हमने वहां पास रख करा, और यहां इंक्रीमेंट पे जैसे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए नंबर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि हम सेट काउंट करवा रहे हैं यहां पे फंक्शन के साथ में, सिंपल प्लस वन। तो आप देख रहे हैं सिंपल, दो ही मेथड है, दो ही चीजें आपकी यहां पे लगती हैं। पहली, आपको हमेशा वेरिएबल का नाम देना है, जो भी आपको जिससे वैल्यू प्रिंट करवानी है वो, और दूसरा कि जिससे आपको सेट करवाने हैं उसके आगे आप सेट लगा सकते हैं, जिससे कि मीनिंगफुल हो सके। यही दो पैरामीटर आप पास करके अपने साथ में यहां पे लोकल कंपोनेंट में लोकल स्टेट को मैनेज कर सकते हैं अपने कंपोनेंट्स वाइज। ओके, सो गाइस यही है आपका सेट इन रिएक्ट, ओके, फंक्शन कंपोनेंट के साथ में। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं वो एक बार देख लेते हैं पहले। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे आपका स्टेट क्लास कंपोनेंट के साथ में, कि क्लास कंपोनेंट में किस तरीके से यूज करना चाहिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जब तक के लिए टिल देन बाय बाय गाइस।